Hey guys, welcome to Top 7 of the day, जिसमें हम लेके आए हैं आपके लिए टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। आज है 4 अगस्त और हम लेके आए हैं अपनी ऑडियंस के लिए दिन की सात छोटी बड़ी खबरें। अगर आप रोजाना के साथ छोटी बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें टीवी का तड़का। हमने टॉप 7 फैक्ट्स अबाउट सेलिब्रिटीज की दूसरी एपिसोड में हिबा बुखारी के बारे में कर दिए हैं खुलासे, उनकी पर्सनल जिंदगी, उनकी कॉन्ट्रोवर्सी, उनसे जुड़े सीक्रेट्स और उनके टॉप ड्रामों के बारे में। आप अभी हमारे चैनल पे जाके वो एपिसोड्स देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे में से पहली टॉप न्यूज, हानिया अमीर ने शेयर की अपनी एक वीडियो टिकटॉक हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल पर, और उसमें उनकी दोस्त फरी एक गाना गा रही हैं, लेकिन हकीकत में वो आवाज उनकी नहीं है, उस गाने के पीछे आवाज है हानिया आमिर की। जी हाँ, वो सिर्फ लिप सिंग कर रही हैं, वो गा रही हैं गाना इंडियन न्यू मूवी ब्रह्मास्त्र का सॉन्ग केसरिया, जिसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं। फैंस को उनकी ये आवाज खूब पसंद आ रही है और उनसे मजीद गाने की डिमांड कर रही है। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं दूसरी टॉप न्यूज, फाहद मुस्तफा ने शेयर की एक BTS वीडियो उनकी फिल्म कायदे आजम जिंदाबाद की, जिसमें वो BTS स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। फैंस को उनकी ये वीडियो खूब पसंद आ रही है और उनकी मेहनत को दाद दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि यही वजह है कि आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मेहनत की वजह से। देखें आप ये उनकी वीडियो। दिन की तीसरी टॉप न्यूज, आज रात टेलीकास्ट होगी बाजार ड्रामा की आखिरी किस्त, जिसमें अनाभ्या और वली की कहानी को दिखाया गया है। आज पहुंचेगी वो कहानी अपने अख्तिताम को। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जोया नासिर का कैरेक्टर क्या खत्म कर देगा अली अब्बास के कैरेक्टर को, या गोली लगेगी इमरान अशरफ को। जानने के लिए देखिए ड्रामा बाजार आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ जियो पर। चौथी टॉप न्यूज, अली अंसारी ने शेयर की एक वीडियो और अपने थंब पे बनाई एक शक्ल और कह दिया कि ये सबूर की तरह लग रहा है, और फैंस इसके नीचे खूब फनी कमेंट्स कर रहे हैं और दोनों की जोड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं। पांचवी टॉप न्यूज, इमरान अशरफ की वाइफ किरण इमरान अशरफ ने शेयर की अपने बेटे रुहाम की एक फोटो और लिखा रुहाम और उनकी सेल्फीज, लोग उनकी ये फोटो खूब पसंद कर रहे हैं और बेबी रुहाम के लिए प्यार लुटा रहे हैं। छठी टॉप न्यूज, फरहीन इश्तियाक ने शेयर किया अपना पॉइंट ऑफ व्यू ड्रामा बख्तावर के बारे में, जिसमें यमुना जैदी नजर आ रही हैं। उनका कहना यह है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं किरदार को निभाने की, लेकिन मैं एक असली जिंदगी जी रही हूँ। ड्रामे में और असली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। शी इज़ द बेस्ट एक्टर और मेरी भी फेवरेट है वो, और उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो अच्छा रोल करने की कोशिश कर रही है और कर रही है। लेकिन चूंकि आपको मैं बताऊं कि एक ड्रामा और एक रियल लाइफ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज, कोमल अजीज खान ने री शेयर किया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक ट्वीट, उस ट्वीट में लिखा हुआ है आई एम सो ग्लैड वी हैव फादर्स फिगर लाइक नूर मुकद्दम एंड दुआ ज़हरा फादर एज पब्लिक एग्जांपल्स नाउ, फादर हु स्टूड बाय देयर डॉटर्स इवन व्हेन ऑल द वर्ल्ड हैज डन इज शेम देम, फादर हु फॉट फॉर देयर राइट्स एंड डिडंट गिव अप ऑन देयर डॉटर्स। उन्होंने ये ट्वीट को रीशेयर करके सब फादर्स को अवेयर किया है कि जो कुछ नून मुकद्दम और दुआ ज़हरा के साथ हुआ है कि वो भी अपनी बेटियों के लिए इसी तरह स्टैंड लें। फैंस उनके ये पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए खूब दाद दे रहे हैं।